हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। तो फाइनली आ गया है वीडियो ऑन माय लेबर एंड डिलीवरी स्टोरी। आप में से काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि कंसिडरिंग मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, मैं आपके साथ शेयर करूं कि मेरा पूरा जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था, ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके। तो फाइनली वो वीडियो आ गया है। मैं वार्निंग दे दूँ पहले ही कि वीडियो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है, बट लंबा होगा, बिकॉज आई हैव सो मच टू शेयर एंड आई लव टॉकिंग स्पेशली अबाउट एन एक्सपीरियंस सो ब्यूटिफुल लाइक दिस। तो प्लीज़ अपनी चाय, कॉफी, खाना, जो भी आप लेके आना चाहते हो वो डेफिनेटली लेके आ जाओ, बिकॉज ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। और इफ़ यू आर एन इंग्लिश व्यूअर एंड यू वॉन्ट टू नो अबाउट माई लेबर एंड डिलीवरी स्टोरी इन इंग्लिश ऑल्सो, देन कॉमेंट डाउन बिलो एंड आई डू अ वीडियो फॉर यू टू। तो सबसे पहले आपको कुछ फैक्ट्स दे देती हूँ। मेरी प्रेगनेंसी जो थी वो काफ़ी हेल्दी प्रेगनेंसी थी। थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी मेरा जो पूरा एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी एनरिचिंग, काफ़ी हेल्दी एक्सपीरियंस था। अगर आपको मेरी प्रेगनेंसी जर्नी जाननी है कि हर सेमेस्टर वाइज मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, तो कॉमेंट करके बताना, आई विल डू अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। तो ये हुआ, मैंने 15 kgs टोटल वेट अपना गेन किया थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी, बट आई वॉज फिट एंड फाइन। और अपनी डिलीवरी मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, बट कहीं ना कहीं यू नो आई हैड अ लॉट ऑफ फियर। मुझे पता नहीं था कि मैं कर पाऊँगी या नहीं, मुझे लगता था कि मतलब क्या होगा, पेन इज समथिंग जिससे मैं हमेशा कोसों दूर रही हूँ। तो इतना सुना था, जिससे भी सुनते थे ऐसे सुनते थे कि बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है। तो एक साइकोलॉजिकली ना कहीं बैठ गया था कि नॉर्मल मतलब बहुत दर्द होने वाला है। और आप जितने लोगों से बात करते थे वो अपना एक्सपीरियंस बताते थे कि आजकल तो सिजेरियन ऐसे हो जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता और रिकवरी भी बहुत फास्ट हो जाती है। तो मैं काफ़ी टू माइंड्स में थी कि वेदर आई शुड गो फॉर सिजेरियन और आई शुड गो फॉर नॉर्मल। एंड मुझे जो गायनोकोलॉजिस्ट मिली वो काफ़ी अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट रही हैं, बहुत मिड एज गायनोकोलॉजिस्ट है, वो 40s में हैं। तो शी इज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब जिनको ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस भी पता हैं और जिनके पास नई एज, नई जनरेशन का भी एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा गाइड किया, उन्होंने मुझे सारा समझाया कि सिजेरियन के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या रिस्क होते हैं और नॉर्मल में पूरा प्रोसेस कैसे होता है। एंड उन्होंने मुझे काफ़ी काउंसिल किया कि अगर नॉर्मल से मैं इसलिए डर रही हूँ बिकॉज ऑफ पेन, तो देर इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन ऑफ एपिड्यूरल। तो एपिड्यूरल आपको दिया जाता है आपकी लोअर बैक में, ताकि जो कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, जो पेन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रही है, वो आपको फील ना हो। मेजॉरिटी केसेस में एपिड्यूरल वर्क करता है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से काउंसिल किया, तो देन आई वॉज लाइक रेडी कि नहीं, आई विल डेफिनेटली ट्राई फॉर नॉर्मल डिलीवरी। अगर कुछ इमरजेंसी होती है देन आई एम ओके विद सी सेक्शन ऑल्सो। मतलब वी आर नॉट हेल्प बाउंड कि नहीं सिजेरियन कराना ही नहीं है, हम नॉर्मली करेंगे। आई थिंक विच इज़ समथिंग जो कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए अब हमने नहीं कराना है, विच इज़ नॉट फेयर। क्योंकि कुछ केसेस में आई अंडरस्टैंड दैट डॉक्टर्स मेक इट अ मनी मेकिंग स्कीम एट टाइम्स, पीपल से दैट यू नो दैट हैपन्स कि डॉक्टर सीधा ही बोल देते हैं कि सिजेरियन करा लो, बट आई थिंक दैट कुछ केसेस में यू नो डॉक्टर इज़ द वन दैट यू कैन ट्रस्ट, राइट? दे आर द वंस जो देख रहे हैं कि बेबी की हार्ट बीट तो नहीं ड्रॉप हो रही, या बेबी ने पॉटी तो नहीं कर दी, या मदर की कंडीशन तो ऐसी नहीं हो रही कि वो नॉर्मल कर ही नहीं पाए। तो एट टाइम्स यू नो दे आर टेलिंग यू द राइट थिंग। आई एट लीस्ट बिलीव इन माई डॉक्टर क्वाइट अ लॉट। तो आई वॉज टोटली रेडी एंड मुझे ड्यू डेट दी गई 2 मार्च 2017। तो डेफिनेटली मार्च इनिशियल डेज में मेरी ड्यू डेट थी, तो फेब का मंथ मैं टोटली इन्जॉय कर रही थी, यू नो, एज द लास्ट मंथ वेयर आई एम प्लानिंग, प्रिपेयरिंग फॉर माई बेबीज अराइवल एंड देन यू नो माई बेबी इज गोइंग टू कम। तो वी आर हैविंग लाइक अ ब्लास्ट, मतलब मैं सब कुछ खा रही थी, मैं घूम रही थी, मैं बहुत मस्ती कर रही थी। मैंने कुछ भी स्पेसिफिकली नहीं किया टारगेटिंग अ नॉर्मल डिलीवरी, जैसे होता है ना कि आपको मतलब सर्टेन एक्सरसाइजेस करनी चाहिए या आपको घी बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। थ्रू आउट माई लास्ट सेमेस्टर मैंने एक चीज़ जो करी वो था कि मैं डेली मॉर्निंग में और शाम को 30 मिनट्स वॉक के लिए जाती थी टू स्टे एक्टिव, तो वो मैं ज़रूर करती थी। बाकी इसके अलावा जो मैं नॉर्मल खाना खाती थी वो खाती थी, टाइम पर खाती थी और अच्छा खाना खाती थी। तो ये हुआ एंड फेब का मंथ मैं टोटली इन्जॉय करी थी। मुझे याद है कि 19th February था, तो 19th February को मैंने सौरभ को बोला कि यू नो मतलब बेबी आने के बाद तो हम लोग काफ़ी एकदम बिजी हो जाने वाले हैं। स्पेशली सब लोग बोलते हैं कि पहला 1.5-2 साल तो आप बिल्कुल बिजी होते हो, सोने को भी नहीं मिलता है एंड यू नो यू जस्ट मतलब आप सिर्फ बेबी में ही लगे रहते हो। तो वाई नॉट जस्ट सेलिब्रेट दिस डे एज लाइक लेट्स गो आउट फॉर अ डेट, यू नो, बिकॉज इसके बाद हमें पता नहीं कब टाइम मिले नहीं मिले।
तो एज अ नाइस हस्बैंड दैट ही इज़ वेरी लविंग हस्बैंड ही अग्रीड दैट यू नो लेट्स गो आउट फॉर अ डेट ही इज जस्ट लव टू पैम्पर मी थ्रू आउट माई फेस. तो हम डेट पे गए, हमने मस्ती करी बहुत एंड यू नो नाइस म्यूजिक, वी हैड अ वेरी नाइस इवनिंग एंड देन वी केम बैक होम. एंड नेक्स्ट डे 20th February मुझे आज भी याद है, हमने एक डांस एक्ट परफॉर्म किया. उस टाइम पे एक डांस चैलेंज चल रहा था स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट मॉम्स, जो था बेबी मामा डांस चैलेंज. उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे है, बहुत पुराना वीडियो है वो, आप में से काफ़ी लोगों ने देखा भी हुआ है तो आप वो जाके देख सकते हो. अगर आपने नहीं देखा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. तो इट्स अ प्रेग्नेंट वुमन डांसिंग, यू नो इट्स अ बेबी मामा सॉन्ग. एंड सौरभ ने भी मुझे पिच इन किया कि यू नो आई विल ऑल्सो पार्टिसिपेट बिकॉज इट्स अ ब्यूटिफुल मेमरी वेयर वी आर डांसिंग विद अ बेबी व्हेन द बेबी इज इन द टमी. तो हमने वो परफॉर्म किया एंड देन मेरी फैमिली आ गई थी तो शाम के टाइम हम लोगों ने बहुत मस्ती करी, डांस किया घर में, जस्ट इन्जॉय किया कि बस अब कुछ दिनों की वेट रह गई है एंड देन द बेबी इज़ गोइंग टू कम. एंड 21st February विच वॉज या 21st February को हमारा एक इंटरनल चेकअप था. तो वन थिंग जो मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला हुआ था कि ये जो लास्ट के इंटरनल चेकअप्स होते हैं बिकॉज 21st February वॉज लाइक अबाउट 9-10 days टू माई डिलीवरी, 28 days का फेब का मंथ था वो. तो मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि ये जो अब इंटरनल चेकअप्स मैं करूँगी जो लास्ट के दिन है, इसमें आप अपना हॉस्पिटल बैग हमेशा अपनी गाड़ी में कैरी करो क्योंकि कभी भी पता नहीं होता है, कुछ केसेस में ऐसे होता है कि एज़ पार्ट ऑफ इंटरनल चेकअप ही एकदम से वाटर बर्स्ट हो जाता है या फिर जब इंटरनल चेकअप कर रहे होते हैं तो पता चलता है कि बेबी की पोजिशन काफ़ी नीचे आ गई है एंड यू नो बेबी मे जस्ट कम आउट वेरी सून. तो उस केस में हम एडमिट करके सारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं. तो हम तो एज इट इज़ ईगर थी, हमें तो था ही कि जितनी जल्दी अपने बेबी से मिले नथिंग लाइक इट. तो हमने अपना हॉस्पिटल बैग बिल्कुल रेडी किया हुआ था. मुझे याद है 21st Feb को 12 बजे की बात है कि हम घर से निकले और मैं घर से आलू पूड़ी दही खा के निकली थी, बिल्कुल एकदम हैवी मील खा के. और हम बोल के निकले थे अपने माँ बाबा को कि हम बस अभी 2 घंटे में वापस आ रहे हैं चेकअप करा के. तो हम वहाँ पहुँचते हैं हॉस्पिटल एंड वन थिंग दैट आई लव टू डू ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी फेज वॉज टेक पिक्चर्स. तो मैंने हॉस्पिटल के बाहर भी कोई मौका नहीं छोड़ा और मैंने बहुत सारी सेल्फीज़ ली क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, या फ़ोटोज़ खींची. मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं अपने बेबी बम्प की फ़ोटो लूँ और मुझे मतलब इट वॉज़ अ वेरी नाइस थिंग, मुझे बहुत सारी मेमरीज कैप्चर करनी थी. तो मैंने फ़ोटोज़ ली. उसके बाद हम अंदर जा रहे थे तो हमें पता चला कि उस हॉस्पिटल में उस दिन शूटिंग चल रही है और वो भी अक्षय कुमार की शूटिंग चल रही है. तो मेरी एक्साइटमेंट लेवल और भी बढ़ गई, मुझे लगा कि बस मैंने तो सौरभ को एक टास्क दे दिया कि मुझे अक्षय कुमार से आज मिलना ही मिलना है एंड इट्स योर टास्क, मतलब यू नो आई एम हैविंग योर बेबी एंड मुझे क्रेविंग हो रही है कि मुझे अक्षय कुमार से मिलना है. तो सौरभ के दिमाग में घूमने लग गया कि यू नो इफ़ आई कैन डू दैट फॉर हर इट विल बी अ नाइस सरप्राइज और इट विल बी अ नाइस थिंग दैट शी विल फील हैप्पी अबाउट. तो ऐसे मस्ती करते करते हम अंदर डॉक्टर के पास गए. मुझे याद है 1:30 के अराउंड डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, इंटरनल असेसमेंट हुआ. एंड जब इंटरनल असेसमेंट हुआ तो उन्होंने मुझे बताया, एंड बाय द वे गाइस इंटरनल असेसमेंट मुझे ज़्यादा पेनफुल लगा कंपेयर टू माय डिलीवरी, आई विल बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट विद यू. तो जब उन्होंने इंटरनल असेसमेंट किया तो क्या हुआ कि मेरा वाटर जो था वो बर्स्ट हो गया. जैसे कि हम जानते हैं कि बेबी एक वाटर बैग में होता है, प्रोटेक्टेड वाटर बैग में, तो मेरा जो वाटर बैग था वो बर्स्ट हो गया. तो डॉक्टर ने इमिजिएटली सौरभ को बुलाया और बोला कि आपको एडमिशन प्रोसेस इमिजिएटली स्टार्ट करना है बिकॉज वाटर बर्स्ट हो गया. नाउ वी जस्ट हैव टू वेट कि बेबी जो है धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट करेगा एंड देन वी विल डू द डिलीवरी. अभी जो सर्विक्स की ओपनिंग थी वो सिर्फ 1 centimeter थी, तो सर्विक्स ओपन नहीं हुआ था बट क्योंकि वाटर बैग बर्स्ट हो गया था तो अब जो था डिलीवरी हैड टू बी डन. तो होता क्या है कि आपका जब जो एक नॉर्मल डिलीवरी होती है उसके लिए आपकी सर्विक्स ओपनिंग जो है वो 10 centimeter होनी चाहिए, बट अभी ऑब्वियसली 1 centimeter मतलब दिल्ली बहुत दूर थी, बहुत दूर जाना था. तो डॉक्टर ने बोला कि कोई डरने की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि वाटर बैग बर्स्ट हो गया तो आपको अभी डिलीवरी करना है और सिजेरियन करना पड़ेगा, हम वेट करेंगे, जैसे जैसे बेबी धीरे धीरे नीचे पुश होना स्टार्ट होगा तो सर्विक्स ओपन होना स्टार्ट होगा एंड देन डिपेंडिंग ऑन कितनी जल्दी होता है हम डिलीवरी कर देंगे. बस इमिजिएटली ध्यान अक्षय कुमार से हट गया और हम लग गए अपना तैयारी करने. तो सौरभ ने इमिजिएटली पेपर्स वगैरह भरे और हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि हम कोई कॉल कर पाएँ, किसी को बता पाएँ कि भाई ऐसा सब कुछ स्टार्ट हो गया है. अंदर से इतनी एक एक्साइटमेंट और एक नर्वसनेस भी स्टार्ट हो गई कि अब क्या होगा कैसे होगा, और एक्चुअल में थोड़ा सा टेंशन भी स्टार्ट हो गया कि वाटर बैग बर्स्ट हो गया मतलब इज़ द बेबी सेफ और नॉट. तो
नॉनदलेस हमें रूम में शिफ्ट किया और डॉक्टर ने हमें समझाया कि बिल्कुल डरने की बात नहीं है, हम हर दो दो तीन तीन घंटे में सिचुएशन चेक करते रहेंगे एंड अकॉर्डिंगली वील गो फॉर इट. तो मैंने पहना अपना नाइस हॉस्पिटल ड्रेस एंड उसमें भी हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, हमने फिर से खींची बहुत सारी सेल्फीज़ क्योंकि हम बहुत 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 एक्साइटेड हो गए कि फाइनली द डे इज़ कमिंग व्हेन वी आर गोइंग टू मीट अ बेबी. वी डोंट नो हु ही और शी विल बी, बट हू एवर यू नो ही और शी इज़ गोइंग टू बी द लव ऑफ आवर लाइफ. एंड हमने कॉल किया फैमिली को, बताया, सब घबराने लग गए कि उनको लगा कि बस अब बेबी होने ही वाला है और हम लोग अभी घर पे ही बैठे हुए हैं, तो सबने तैयारी शुरू कर दी घर पे करने की. देन क्या हुआ कि ऐसे करते करते, मतलब हमारी सेल्फी चल रही थी, मस्ती वस्ती चल रही थी, 4:30 बज गए. तो 4:30 बजे डॉक्टर फिर से आए, डॉक्टर ने फिर से चेक किया क्योंकि अब उनको ये चेक करना था कि सर्विक्स बढ़ रहा है या नहीं और मेरी कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो स्टार्ट हो रही है या नहीं. कॉन्ट्रैक्शंस जो वो जो होती हैं मतलब फ्रीक्वेंट पेन्स होती हैं जो आपको आती हैं एज पार्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस. एंड कॉन्ट्रैक्शंस जब आना स्टार्ट हो जाती है इसका मतलब बेबी की मूवमेंट स्टार्ट हो गई है एंड यू आर हेडिंग टूवर्ड्स योर डिलीवरी. तो मुझे कोई कॉन्ट्रैक्शंस नहीं थी और डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने कहा इट्स स्टिल 1 सेंटीमीटर. बट हमने कहा कि कोई बात नहीं, हमने होप नहीं छोड़ा, हमने कहा जब तक द बेबी इज़ फाइन वी आर ओके. हमारे साथ ही एक उन्होंने मॉनिटर लगाया हुआ था जिसमें बेबी की हार्ट बीट हम पढ़ भी सकते थे और सुन भी सकते थे. तो बहुत अच्छा फीलिंग था कि आप कॉन्स्टेंटली अपने बेबी की हार्ट बीट सुन रहे हो और आप हार्ट बीट देख भी रहे हो, क्योंकि डॉक्टर ने हमें कहा था आप इसे मॉनिटर करते रहना, अगर हार्ट बीट ड्रॉप हो जाती है बेबी की तो हमें इमीडिएटली एक इमरजेंसी सी सेक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, या फिर अगर बेबी पॉटी कर देता है तो हमें इमरजेंसी सी सेक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा. जिस केस में जो लिक्विड है वो बाहर आता है तो आपको पता चल जाता है कि बेबी ने पॉटी करी है, डॉक्टर्स को पता चल जाता है, तो इमरजेंसी करना पड़ेगा. या मदर जो है वो कॉन्शियसनेस लूज करना स्टार्ट कर देती है तो उस केस में भी दे इमीडिएटली गो फॉर देयर सी सेक्शन. तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, बेबी की हार्ट बीट बिल्कुल ठीक थी, हमारा ध्यान कॉन्स्टेंटली मॉनिटर के ऊपर था एंड वी वर हैप्पी. तो हमने सबको फ़ोन वोन करना हम कंटिन्यू कर रहे थे, फ्रेंड्स को, फैमिली को, सबको करा. करते 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 7:30 बज गए. 7:30 बजे जब डॉक्टर ने चेक किया तो फिर से नो होप, 1 सेंटीमीटर, नो कॉन्ट्रैक्शन बिगैन. तो डॉक्टर ने बोला कि देखो अब 6 आवर्स हो चुके हैं वाटर को बर्स्ट हुए हुए एंड पेन अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है, सर्विक्स में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, तो मुझे लगता है कि हमें आपको आर्टिफिशियल पेन इंड्यूस कर देना चाहिए. तो उन्होंने हमें, विच वी वर ओके विथ, क्योंकि इफ़ दैट्स द वे टू गो दैट्स द वे टू गो, तो उन्होंने आर्टिफिशियल पेन इंड्यूस किया. और उसके बाद अराउंड 9ish पे मुझे अपना फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन फील हुआ. अब जब फील हुआ तो थोड़ा सा झटका भी लगा बिकॉज एकदम से एक शूटिंग पेन जो है वो आया एंड उसके बाद वो पेन डाउन हो गया. बट साथ साथ एक यू नो हैप्पीनेस भी बहुत ज़्यादा थी या एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा थी कि मतलब वी आर हेडिंग टूवर्ड्स इट, अब बस फाइनल टाइम आने वाला है. तो वो स्टार्ट हुआ, करते 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 थोड़ा थोड़ा मेरा कॉन्ट्रैक्शंस जो था बढ़ता जा रहा था. 10 बजे से 12 बजे के बीच में हमारे कुछ फ्रेंड्स हमें मिलने आए, तो आप ये जो मेरी फ़ोटोज़ हैं उनके साथ देख के देख सकते हो कि मेरी सुबह की फ़ोटोज़ और शाम की फ़ोटोज़ में कितना चेंज जो था वो दिखने लग गया. सुबह की फ़ोटोज़ अगर बबली थी तो रात की फ़ोटोज़ जो थी वो पेन दिख रहा था, बबली टू पेनली चेंज हो रहा था, क्योंकि मतलब मेरी हंसी में भी दिख रहा था कि मतलब अब मुझे पेन आ रहा है और कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो आ रहे हैं. तो धीरे धीरे मेरी एनर्जी डाउन होनी स्टार्ट हो गई. रात को 12:30 तक तो मेरी एनर्जी काफ़ी डाउन हो गई थी क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली पेन्स आते जा रहे थे. 12:30 बजे डॉक्टर्स फिर आए, डॉक्टर्स ने चेक किया, उन्होंने कहा अभी भी आपका 1 सेंटीमीटर ही है. और आप इमेजिन कर सकते हो कि अभी तक इतनी बार जब उन्होंने ये चेक किया है तो इंटरनल असेसमेंट किया, तो फिर उन्होंने वो चेक किया, उन्होंने कहा अभी भी 1 सेंटीमीटर है. तो मैंने सौरभ ने होप लूज़ नहीं किया. अनफॉर्चुनेटली आपके साथ एक ही कोई रुक सकता था रूम में, तो फैमिली फ्रेंड्स सब लोग घर वापस चले गए, उनको घर पे भेजा. नींद किसी को भी नहीं आ रही थी, मेरी मॉम डैड, सौरभ के मॉम डैड, कोई नहीं सो पा रहा था, सब लोग वेट कर रहे थे कि अभी कॉल आएगा. लकीली हॉस्पिटल हमारे घर से 5 मिनट ही दूर है, तो एवरीबडी वॉज ओके टू गो बैक होम. अदरवाइज सबको था कि नहीं हम यहीं बाहर बैठ जाएंगे, बट हमें यहीं बैठना है क्योंकि कभी भी हो सकता है. तो 12:30 बजे जब डॉक्टर ने देखा कि नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर ने बोला कि हम आपको कुछ एक इंजेक्शन दे देते हैं जिससे आपको नींद आ जाएगी, बिकॉज आप अपनी एनर्जी नहीं लूज़ कर सकते हो. नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको एनर्जी रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप एज अ मदर आपको पुश करना है. अगर आप पुश ही नहीं कर पाओगे तो फिर नॉर्मल डिलीवरी बहुत डिफ़िकल्ट है होना.
तो मैंने बोला ठीक है अब दे दो. तो उन्होंने इंजेक्शन दिया. इंजेक्शन देने के बाद मुझे नींद तो बिल्कुल भी नहीं आई क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्शन थे वो और तेज़ी से बढ़ते जा रहे थे. मतलब अब ऐसे हो रहा था कि जब कॉन्ट्रैक्शन आता था तो जितनी तेज़ कॉन्ट्रैक्शन आता था उतनी तेज़ मैं चिल्लाती थी, और जैसे ही वो जाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि ओफ मतलब क्या हो गया. एंड सौरभ को मैंने काफ़ी उस टाइम पर तंग किया. मतलब वो होता है ना, एक होता है टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ बोलते हैं ऑफ अ कपल और ऑफ अ रिलेशनशिप, वो आपको एक्चुअल में फील होती है इस टाइम पे व्हेन योर पार्टनर इज़ विद यू. बिकॉज मतलब मुझे याद है जब कॉन्ट्रैक्शन आते थे मैं सबको बोलती थी अब मेरे को खड़ा कर दो, अब मुझे बिठा दो, अब मेरी बैक प्रेस करो, अब मुझे उधर ले जाओ, अब मुझे कहीं और दिखाओ. मतलब मुझे लगता है मैंने इससे ज़्यादा जो होते हैं ना इंस्ट्रक्शंस लाइफ में किसी को नहीं दिए होंगे जो मैंने उतनी घंटों में सौरभ को दिए कि अब ये करो, अब वो करो, अब ऐसे करो, अब ऐसे करो. एंड यू नो ही वॉज ऑल्सो टोटली अवेक, बिल्कुल एक ब्लिंक भी नहीं हो रहा था आँख का, क्योंकि कॉन्स्टेंटली नज़र जो थी वो बेबी की हार्ट बीट पर भी थी. तो काफ़ी टफ रात थी वो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस का क्या होता है कि वो आते ही रहते हैं, इट्स नॉन स्टॉप. वो जब डाउन होगा तो आपको एक रिलीफ मिलेगा और फिर वो आएगा. तो हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी. करते 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 2 बजे मुझे आ गई वॉमिटिंग, और मुझे ऐसी वॉमिटिंग आई कि मतलब आई थिंक जो भी मैंने पूरे दिन का खाया था वो सारा बाहर निकल गया. एंड वी गॉट सो स्केड. मुझे लगा अब क्या होगा, मतलब व्हाट इफ, क्योंकि जब आप वॉमिटिंग करते हो नॉर्मल में भी तो आपको पता होगा कि आपके पेट पे काफ़ी ज़ोर पड़ता है. तो मुझे लगा कि यू नो व्हाट इफ़ द बेबी इज़ इन डेंजर, व्हाट इफ़ बेबी को कोई इम्पैक्ट हुआ हो या बेबी के ऊपर कोई यू नो स्ट्रेस पड़ा हो तो क्या होगा. इमीडिएटली हमने इमरजेंसी बटन्स प्रेस किए, डॉक्टर्स को बुलाया, डॉक्टर को बताया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है. तो डॉक्टर्स ने चेक किया, डॉक्टर ने कहा नहीं बेबी की हार्ट बीट बिल्कुल ठीक है, अभी भी जो ओपनिंग है वो इतनी ही है. कॉन्ट्रैक्शंस भी वो मॉनिटर कर रहे थे तो वो कह रहे थे सब कुछ ठीक चल रहा है, बट अभी ऐसे लग रहा है कि आपकी डिलीवरी में टाइम लगेगा. एनीवेज हमें तो टाइम काटना ही था, तो हमने अपनी टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ, अपने रिलेशनशिप की जो नींव बोलते हैं उस पर, उसके ऊपर ट्रस्ट किया. एंड वी जस्ट past the night with the hope that the outcome is going to be so beautiful that we'll just forget all of this, and that's how our night actually passed. फिर हुआ सुबह 7:30 in the morning, और जब डॉक्टर ने चेक किया तो मेरी cervix opening हो गई थी 3 cm. इसका मतलब है कि कुछ progress हो गई है. बट अब चैलेंज क्या था कि क्योंकि मैं और सौरभ पूरी रात नहीं सोए थे, स्पेशली मैं इतना ज़्यादा पेन में थी, इतना ज़्यादा हो गया था पेन मुझे कि अब जो डॉक्टर्स थे वो भी वरी करने लग गए थे कि इस कंडीशन में मैं आगे नॉर्मल कर पाऊंगी या नहीं. तो उन्होंने मेरे से चेक किया कि डू यू वांट टू गो फॉर अ सिजेरियन. आई सेड नो, आई वुड लाइक टू ट्राई नॉर्मल. एंड दैट्स द डिटर्मिनेशन यू नीड टू हैव. तो फिर जो मेरी डॉक्टर है उन्होंने बोला कि वैसे बहुत लंबा टाइम हो गया है, तो आई सजेस्ट दैट इवन इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू विद नॉर्मल आप एपिड्यूरल ले लो. तो एपिड्यूरल क्या होता है, एक लोकल एनेस्थीशिया होता है जो इंजेक्ट करा जाता है आपकी लोअर बैक में. बहुत क्विक प्रोसेस होता है ये, जिसमें से क्या होता है इट इज़ नोन कि वो आपको एक तरह से पेनलेस कर देगा, आपको आपकी कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो फील नहीं होंगी. तो डॉक्टर ने मुझे बोला आपको उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अभी भी 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे हमें नहीं पता, तो आप वो ले लो. तो मैंने और सौरभ ने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च ऑलरेडी किया था, क्योंकि डॉक्टर ने हमें पहले भी काउंसिल किया था. तो वी सेड दैट ओके, आई थिंक अब हम पूरी रात और वो निकाल चुके हैं, एंड वी डोंट वांट टू गिव अप ऑन द नॉर्मल डिलीवरी जस्ट बिकॉज ऑफ यू नो नॉट हैविंग द अबिलिटी टू डिलीवर, इतना मतलब थकने के उससे. तो वी वुड डेफिनेटली गो फॉर एपिड्यूरल. तो एपिड्यूरल के केस में मेरा सिर्फ गाइडेंस ये है कि अच्छी जगह से हमेशा आप जब भी करवाओ एपिड्यूरल, ऐसे ही मत ले लो. एपिड्यूरल मोस्ट केसेस में काम करता है, बट कुछ केसेस में काम नहीं भी करता, और उसके कुछ सीरियस रिस्क भी देखे गए हैं इन जस्ट वेरी फ्यू केसेस. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आइडियली अगर आप एक अच्छे हॉस्पिटल से कराओगे तो वो आपको बैठ के पहले समझाते हैं और एक डॉक्यूमेंट भी साइन कराते हैं कि आपको अच्छे से समझाया गया है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और क्या रिस्क ये पोजेस करता है, जस्ट इन केस यू नो, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है, राइट. एक बॉडी अलग तरह से किसी भी चीज़ पे रिएक्ट कर सकती है. तो हमें अच्छी तरह से हमें पता भी था, तो हमने दोबारा समझ भी लिया, और वी वर ओके विद, क्योंकि हम एक अच्छे हॉस्पिटल में भी थे तो वी ट्रस्टेड देम. तो वो हुआ, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कब उन्होंने इंजेक्ट किया. इंजेक्ट करने के बाद मैं वापस आई, एंड आई रिमेंबर कि 10 बजे की बात है, मैं जब वापस आई तो एपिड्यूरल लेने के बाद मुझे डेफिनेटली मेरी जो कॉन्ट्रैक्शन की पेन की इंटेंसिटी 1 से अगर आप लगा लो 10 पहुंच चुकी थी, अब 10 बीइंग द मैक्सिमम.
तो वो 10 से मुझे 5 फील होने लग गई, मतलब हाफ हो गई इमीडिएटली आफ्टर एपिड्यूरल. तो मुझे वो रिलैक्स फील हुआ और उसी में क्या हुआ कि मैं सो गई. तो मुझे नींद आ गई एकदम से, क्योंकि थोड़ी भी पेन कम हुई तो बॉडी एकदम रेस्ट मोड में चली गई. तो मैं भी सो गई और सौरभ को भी फैमिली ने सुला दिया कि आप भी फटाफट सो जाओ. एंड 40 मिनट्स के बाद मेरी नींद खुल गई. उसके बाद मेरी डॉक्टर राउंड पे आई. तो उन्होंने मुझे 11 बजे जब चेक किया तो उन्होंने मुझे कहा, मानसी नाउ यू आर 7 सेंटीमीटर. इसका मतलब है कि अगले किसी भी घंटे में, मतलब आप जैसे ही 10 पे पहुंचोगे, वी विल इमीडिएटली टेक यू टू द लेबर रूम. तो अब बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो गया था एंड एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था. सारी फैमिली आ चुकी थी, सब लोग आ चुके थे हॉस्पिटल. एंड अब क्या होता है कि 12:30 बजे मेरी डॉक्टर फिर से आती है चेक करने, और उन्होंने आके देखा और उन्होंने कहा, गाइज इट्स टाइम एंड यू नो वी आर गोइंग, क्योंकि 10 सेंटीमीटर हो गया है. अब इतने टाइम में क्या हो रहा था कि एपिड्यूरल की वजह से मेरी पेन 10 से 5 हो गई थी, पर 10 से 1 नहीं थी. मतलब द गुड पार्ट जो मुझे लगा, आइडियली एपिड्यूरल से क्या होता है, आपको पेन बिल्कुल पता नहीं चलता. बट मुझे, मेरे केस में क्या हुआ कि मुझे पेन फिर भी पता चल रहा था, बट थोड़ा कम पता चल रहा था. एंड मेरे हिसाब से जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज जब आप पुश करते हो बेबी को तो कॉन्ट्रैक्शन जब आता है तभी आपको डॉक्टर पुश करने को बोलते हैं. तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन पता ही नहीं चला कि पेन आया है तो आपके लिए पुश करना मुश्किल हो जाता है, जिस केस में डिलीवरी टाइम भी थोड़ा लंबा हो जाता है. तो मैं बहुत खुश थी, मैंने डॉक्टर को कुछ नहीं बोला कि आप एपिड्यूरल की डोसेज भी जो होती है ना वो बढ़ा भी सकते हैं वो लोग, अगर आप बोलो उन्हें कि अभी भी आपको इफेक्ट फील हो रहा है. बट मैंने डॉक्टर्स को कुछ नहीं बोला, मैंने बोला आई एम ओके, इतना पेन सहने के लिए मैं बिल्कुल ओके हूँ, मैं इससे ज़्यादा अभी पूरी रात सह चुकी हूँ, तो आई विल गो विद दिस पेन, क्योंकि इसमें मैं एटलीस्ट अपने कॉन्ट्रैक्शन को समझ पा रही हूँ अभी भी कि वो कब आ रहा है और कितना देर के लिए रह रहा है. तो ये हुआ. एंड बाय द वे, सौरभ के पास तो एक पूरी बुक है जिसमें हर टाइम लिखा हुआ है कि कितने बजे कॉन्ट्रैक्शन, फर्स्ट 2, 3, 4, 100, 200, वो सारा लिखा है, और कितने सेकंड्स के लिए, कितने मिनट्स के लिए आया, क्योंकि हम एक क्लॉक लेके भी बैठे हुए थे. तो हम इतने क्रेजी थे टू जस्ट नोट एवरीथिंग अबाउट दैट डे. तो वो फिर वो फाइनली मुझे लेके गए. एंड जैसे ही मैं अपने लेबर रूम में जाती हूँ, जो बिल्कुल पास ही था, सबने ऑल द बेस्ट किया, यू नो ब्लेसिंग्स दिया. बट जैसे ही मैं लेबर रूम में जाती हूँ, मैं सबसे पहले किसको देखती हूँ, गेस व्हाट, यस मैं देखती हूँ कि देर इज़ अ मैन हु इज़ ड्रेस्ड, जो लेबर रूम की ड्रेस में ही, वो पूरा ग्रीन कैप पहना हुआ है, मास्क पहना हुआ है एंड एक ग्रीन गाउन पहना हुआ है. और मैं देखती हूँ आईज, और वो है सौरभ. So I was very happy. This is the beauty of you know my delivery, the most beautiful part I feel. कि जिस hospital में हमारी delivery हुई वहाँ पे normal delivery के केस में they allow the father to be with you in the delivery room. तो father can actually see the delivery and can help you also with the delivery process. So I was just so happy कि he will feel you know Kabir coming out and you know that वो feeling या वो experience एक mother feel कर सकती है, but एक father नहीं फील कर पाते, बिकॉज जनरली अलाउड नहीं होता है. दैट इज़ अ डिफरेंट बॉन्ड या एक डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर जब आप बेबी को बाहर आते हुए देखते हो, विच आई एम श्योर सौरभ ऑल्सो लव्स, एंड आई थिंक दैट्स हिज फेवरेट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, वन ऑफ द फेवरेट एक्सपीरियंसिस ऑफ लाइफ दैट ही सीन, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट. तो मैंने देखा कि सौरभ इज़ देयर, तो मेरी हिम्मत और भी ज़्यादा बढ़ गई. तो फाइनली मुझे एक स्ट्रेचर टाइप पे टेबल पे लिटाया गया, जिसमें मैं थोड़ा सा अपवर्ड पोजीशन में ही थी. लेग्स को ओपन किया गया, मेरी डॉक्टर मेरे सामने खड़ी थी, दो नर्सेज ने मेरे जो लेग्स थाइज़ हैं उनको दबाया हुआ था, और दो नर्सेज मेरे साइड में थी, और एक साइड पे सौरभ इज़ देयर विद मी होल्डिंग माई हैंड. एंड डॉक्टर ने मुझे क्लियरली समझाया कि मानसी जब कॉन्ट्रैक्शन आएगा तब आपको बेबी को पुश करना है, तो यू नीड टू पुश द बेबी. अब मुझे पहले समझ नहीं आया कि यू नो व्हाट डज पुश मीन, मतलब हाउ डू यू पुश, राइट? आपने कुछ इसका, काफ़ी जगह पे होता है कि लोग इसकी ट्रेनिंग लेते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ था. तो मेरे को जो ध्यान था, मुझे वो बॉलीवुड मूवीज़ का, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम अ वेरी बॉलीवुड मूवी काइंड ऑफ अ पर्सन. तो मुझे याद है कि आई सीन दिस करीना कपूर मूवी, आई डोंट नो व्हाट मूवी वाज इट, बट जिसमें शाहरुख खान का डबल रोल है. तो आई हैड सीन दिस मूवी वेयर करीना कपूर वाज पुशिंग आउट द बेबी. तो डॉक्टर ने मुझे बोला पुश, मैंने फर्स्ट पुश किया,
कोई सक्सेस नहीं. तो डॉक्टर ने बोला कि मानसी नहीं, यू नीड टू पुश इट राइट. अच्छा, अब क्या है कि जैसे मैंने बताया वो कॉन्ट्रैक्शन का वेट करते हैं, जब कॉन्ट्रैक्शन आएगा वो ही अपॉर्चुनिटी कि आप पुश करोगे और बेबी और नीचे आएगा और फिर डॉक्टर्स उसका हेड खींच के बेबी को बाहर निकालेंगे. मेरे केस में लकीली बेबी का हेड नीचे था. कुछ बच्चे होते हैं जिनके केस में उनका पैर उल्टा होता है तो वो डिलीवरी थोड़ी अलग तरह से होती है. तो डॉक्टर को मतलब सेकंड जब पुश आया तो उसमें डॉक्टर मैंने कोशिश करी बट ठीक से नहीं हुआ. पर डॉक्टर ने मुझे बोला कि मुझे बेबी का हेड दिख रहा है, इफ़ यू डू द पुश राइट तो बेबी बाहर आ जाएगा. तो मैं काफ़ी एकदम एक्साइटेड हो गई बट साथ में पेन भी आ रहा है और मतलब समझ भी नहीं आ रहा है और नर्वसनेस भी बहुत ज़्यादा हो रही है. फिर थर्ड कॉन्ट्रैक्शन आया तो मैंने थर्ड टाइम पुश किया. अब डॉक्टर ने मुझे बोला, अब क्या था कि मैं पुश कर रही थी बट कर रही थी तो मैंने बोला कि डॉक्टर को मैंने बोला कि मैम मुझसे ऐसे नहीं होगा. मैंने जो मूवी देखी है मैंने उनको समझाया उसी टाइम टेबल पर कि मैंने कहा मैम मैंने एक मूवी देखी है जिसमें वो बहुत तेज़ चिल्लाते हैं और बेबी बाहर आ जाता है. तो डॉक्टर ने मुझे बोला, मानसी मैं आपको ये अलाउ नहीं कर सकती हूँ करना बिकॉज अगर आप ऐसे चिल्लाओगे और नहीं एफर्ट लग पाएगा और बेबी नहीं आ पाएगा तो मे बी आप थक जाओ या आप अनकॉन्शियस हो जाओ जिसकी वजह से हमें सी सेक्शन करना पड़ेगा एंड वी डोंट वॉन्ट टू डू इट. तो मुझे और नर्वसनेस हो गई. इतने में सौरभ वॉज देयर विद मी एंड सौरभ ने मुझे बोला पुश मानसी पुश. तो मैंने सौरभ की तरफ देखा एंड सौरभ बारी बारी ना मुझे बीच बीच में जब हम रुक रहे थे तो मुझे स्ट्रॉ से पानी पिलाए जा रहे थे. जो अ वेरी क्यूट सीन, सब लोग हंस भी रहे थे वहाँ पे. तो ऐसे करते करते फोर्थ पुश आया. फोर्थ पुश में मैंने सौरभ को देखा और मैंने बोला कि प्लीज़ आई नीड टू स्क्रीम, मुझे चिल्लाना होगा. तो सौरभ ने जो मेरी डॉक्टर है उनको बोला कि मैम प्लीज़ आप इसे चिल्लाने दीजिए और आई एम श्योर कि सब ठीक होगा. एंड गाइज यू वोंट बिलीव इट, फिफ्थ कॉन्ट्रैक्शन, फिफ्थ पुश और ये सारा 15 मिनट मैक्स हुआ है, ये पांच कॉन्ट्रैक्शंस. फिफ्थ पुश में आई screamed like never in my life. I screamed like that and we were blessed with a baby boy and he is Kabir. So it was a very you know, no matter how happy you can be about the whole thing but वेन यू जब पूरा सोचते हो और आपको काफ़ी अच्छा लगता है, आप हंसते हो वापस देख के कि पूरा सब कैसे गया, बट दैट फीलिंग वेन यू गेट योर बेबी इन योर हैंड, आई थिंक दैट्स द बेस्ट बेस्ट फीलिंग एंड दैट एक्सपीरियंस इज एन एक्सपीरियंस दैट स्टेज विद यू. ये इज इट्स अ लाइफ दैट यू क्रिएट, इट्स अ लाइफ ऑफ योर ओन, इट्स समथिंग दैट यू हैव मेड, सो नथिंग लाइक दैट फीलिंग. सो सॉरी. Okay, so we were blessed with a baby boy and Kabir, he came out and the first thing he did was he cried and जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि सौरभ और मेरे में हमेशा ये होता था कि सौरभ को हमेशा से था कि मेरा एक बॉय ही होगा देखना एंड मैं उसको नाम रखूँगा कबीर. एंड पूरी प्रेगनेंसी में जब भी हम डॉक्टर के पास भी जाते थे तो सौरभ हमेशा देख के उसको बोलते थे, उसका अल्ट्रासाउंड देख के या बात करते हुए भी हमेशा कबीर बोलते थे. और डॉक्टर को भी लगता था कि आपको कैसे पता कि भाई कबीर होगा, तो सौरभ ने कहा जस्ट अ गट फीलिंग, एक इंस्टिंक्ट है, अगर गर्ल होगी तो भी आई बी इक्वली हैप्पी बट मुझे ऐसा लगता है. सो जब हुआ, जैसे ही कबीर बाहर आया तो डॉक्टर जो मेरी हैं उन्होंने भी ये नहीं बोला कि बॉय या गर्ल है, उन्होंने सौरभ मेरी तरफ देखा और बोला कबीर. एंड यू नो दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर अस एंड यू नो नथिंग लाइक दैट. आई स्टार्टेड क्राइंग लाइक आई डोंट नो, आई हैव नेवर क्राइड लाइक दैट. आई वाज लाइक हाउलिंग दैट यू नो मतलब. एंड नर्सेज वगैरह डॉक्टर से पूछ रहे थे कि यू नो वो इतना रो क्यों नहीं है, उनका तो बेबी हो गया, नॉर्मल डिलीवरी हो गया. तो डॉक्टर ने भी उन्हें बोला कि यू नो जब आप एक मदर बनोगे आपको पता चलेगा इससे ज़्यादा हैप्पीनेस आपको नहीं होती. तो दिस इज़ द टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस जो उसको हो रहा है अभी. एंड लेट हर क्राई, उसको रोने दो पूरा रो के, मतलब लेट हर टेक इट आउट दैट शी इज सो हैप्पी. सो वो एक्सपीरियंस हुआ विच वॉज वेरी ब्यूटिफुल. सो बस वो मुझे फिर रूम में लेके आ गए और उसके थोड़ी देर बाद वो कबीर को लेके आ गए. एंड द सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, ऑफ दिस न्यू लाइफ एंड दिस एक्सटेंशन टू आर फैमिली बिगैन विच कंटिन्यूज ऑन एन एवरी डे बेसिस. Since that day, not a day has passed when we've not been happy, yeah, you know, we've not celebrated him because he's so special, he's so loving, he's just, he's a mix of the two of us
and a lot of himself also. So somebody we, you know, we are very proud of. I don't think he'll be proud to say that, you know, I'm proud of you as my parents. We are more proud to say that we are more proud of you as our child, because he's so, so good already. And that's what we wish for him. We wish a happy, healthy life, a long life for him. And we wish that he's a kind-hearted soul who only spreads happiness to others. Rest, everything can happen. So this was my labor and delivery story. You know, in case you are interested in knowing my pregnancy story, please let me know. I would love to share that with you. Video bahut lamba ho gaya. I'm extremely sorry for that, but I thought it's important to share. If you did like it, or if agar aapko isne remind kiya apni story ke bare mein, to like button ko zarur hit karna. Thank you. Bye bye.